कि इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 6,600 करोड़ का आवंटन किया है। 6,600 करोड़, 6,600 करोड़ खर्च हो रहा है और टोटल सेंट्रली फंडेड खर्च हो रहा है। इस तरीके से विकास किया जा रहा है। आज दिल्ली के लिए न कोहिमा दूर है, न दीमापुर दूर है, और आज दिल्ली के लिए न कोहिमा और मणिपुर दूर है और न ही दिल से दूर है। दिल से भी पास है और दिल्ली से भी पास है, इस तरीके का हो गया। और इसीलिए मोदी जी ने कहा, लास्ट माइल डिलीवरी एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी। आज बताइए, दीमापुर एयरपोर्ट का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? आज दिल्ली को फ्लाइट चलती है कि नहीं चलती है? आज वाया कलकत्ता चलती है कि नहीं चलती है? आज दिल्ली से 2 घंटे 2.5 घंटे में आप पहुंच जाते हो कि नहीं पहुंच जाते हो? पहले आपको इसमें समय लगता था कि नहीं लगता था? और अब हम कोहिमा में भी बढ़ा इसको विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसलिए हर तरीके से लास्ट माइल डिलीवरी को बढ़ाने का काम चल रहा है। मुझे खुशी है कि नागालैंड को 100 साल बाद एक सेकंड रेलवे स्टेशन मिल रहा है। एक रेलवे स्टेशन अंग्रेजों के टाइम पर मिला था और सेकंड रेलवे स्टेशन मिला है तो अब जाकर के मिला है। सिक्किम को फर्स्ट एयरपोर्ट मिला है। मेघालय को 67 इयर्स के बाद रेलवे स्टेशन मिला है और मणिपुर में पहली बार गुड्स ट्रेन पहुंची है और अब नॉर्थ ईस्ट को भी सेमी हाई स्पीड रेलवे ट्रेन मिल रहा है। इस तरीके से विकास हो रहा है, इस तरीके से काम हो रहा है। पहले इट वॉज पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन, टूडे दैट टाइम इट वॉज ए पॉलिसी ऑफ इग्नोरेंस, टूडे इट इज द पॉलिसी अंडर मोदी जी एंड अवर लीडर रियो साहब एंड वाई पैटन एंड जिलियांग जी, इट इज अबाउट डिसाइसिवनेस एंड डोर स्टेप डिलीवरी एंड डेवलपमेंट। इस तरीके से काम हो रहा है। एक समय में फॉरगेट ईस्ट, ये कांग्रेस ने अब इसको रखा था, फॉरगेट ईस्ट, भूल जाओ ईस्ट को, और मोदी जी ने कहा एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट, एक्ट फर्स्ट। ईस्ट के लिए काम करो और फास्ट चलो और पहले आओ, पहला नंबर करो, इस बात को उन्होंने कहा। मुझे खुशी है कि आज पैटन साहब ने बताया और रियो साहब ने उसको बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैज विजिटेड नॉर्थ ईस्ट 72 टाइम्स। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी गया से चुनावी मैदान में आए। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में उन्होंने ये कहा कि गया की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार वो जिताएंगे और पीएम को मजबूत बनाएंगे। जनता क्या कह रही है? आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, घूम रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फिजा में क्या दिख रहा है? ये अगर पत्रकार हैं तो आपको सोचना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि जनता क्या कह रही है। हम कहेंगे तो हमारा प्रचार होगा। हम तो यही कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जनता यहाँ की चुनाव लड़ रही है। और जनता को ये आशा है कि जीतन मांझी 9 महीना मुख्यमंत्री बिहार का रहा तो बहुत सा काम मगध के लिए किया और करने वाला चर्चित मुख्यमंत्री रहा और 8 बार बिहार विधानसभा का सदस्य रहा। एक समझदार आदमी है, राजनीतिक पढ़ है और नरेंद्र भाई मोदी जी बहुत जीतन मांझी को मानते हैं, समझते हैं। इसलिए यदि MP होकर जाएंगे तो निश्चित रूप में गया का बहुत बड़ा कल्याण होगा। इसलिए यहाँ का बच्चा बच्चा हर जात के लोग यही कहता है कि जो भी होगा इस बार हम लोग जीतन मांझी को जितावेंगे और नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे, जो अब की बार 400 पार की बात होने की है। अब की बार 400 पार की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 4 जून काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपका सिंबल 4थे नंबर पर है, किस तरह से इसको देखते हैं आप? किस तरह से हम देख रहे हैं, 4 का संयोग है, 40 पार करना है, 400 पार करना है, 4 जून को रिजल्ट है और 4था सीरियल पर कड़ाही छाप है। सब लोग इसको मान लिया है, 4 4 4 4 मान लिया है। मीसा भारती ये कह रही हैं कि अगर उनकी सरकार आ गई, वो सरकार में आ गई तो प्रधानमंत्री और BJP के तमाम नेताओं को जेल भिजवा देंगी वो। उनसे यही सुना जा सकता है, इससे अच्छी बात तो उनके मुँह से या उनके परिवार के मुँह से तो नहीं आएगा।
हम आपको कहने की जेल भेजवा देंगे, काहे भेजवा देंगे, न्यायपालिका नहीं है का यहाँ है, किसी पर केस होता है, चार्जशीट होता है और उन पर शो कॉज होता है, बड़ी तरह की बात होती है। तो जो आदमी बोलता हो कि हम जेल भेजवा देंगे, उसको तो मैं कहता हूँ कि दिमागिया दिवालीपन पर दिवालीपन। आपके जो विरोधी हैं कुमार सर्वजीत, कई जगह मंचों से ये कह चुके हैं कि अगर वो इस बार नहीं जीते तो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो राजनीति छोड़ देंगे। वो जो कहते रहे बात तो सही है, इस मायने में सही है, 75 बरस के बाद चुनाव लड़ना नहीं चाहिए, मैं जानता हूँ। लेकिन जैसे ही 76 बरस का उम्र हुआ, नीतीश कुमार का निर्देश हुआ कि आप लड़िए, लड़े। आज भी हम नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन लोग ने यही कहा कि कोई एमपी, हमारा बेटा भी चुनाव जीत के जाता तो एमपी रहता, और जीतन मांझी चुनाव जीत के जाएगा तो जैसा मैंने कहा कि जो एक्स सीएम रहा है, जो 8-8 बार बिहार का मिनिस्टर रहा है और एमएलए रहा है, वो वहाँ जाएगा तो कुछ भी नहीं बनेगा, एमपी रहेगा तो उसकी बातें सब कोई सुनेगा, और जिसके चलते गया का कल्याण होगा, इसलिए गया का बच्चा बच्चा लोग वोट देना चाहता है, और इसी इंटरेस्ट में हम चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं तो सही बात है, चुनाव मैं नहीं लड़ना चाहता। और उधर गया से महागठबंधन के उम्मीदवार कुमार सर्वजीत भी जीत का दम भर रहे हैं, वो गांव गांव घूम रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जीतन राम मांझी के ऊपर हमला भी बोला है। सर्वजीत जी, लगातार आप गांव गांव घूम रहे हैं, गया के फिजा में क्या है, क्या दिख रहा है? हमने गया के तमाम वासियों से अपील किया है कि इस बार 30 वर्ष के बाद कोई ऐसा सांसद बनेगा जो गया जिला की जनता की आवाज़ को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएगी। और मैंने कहा है लोगों को कि 25 वर्ष में गया में एक भी ऐसा कोई सांसद नहीं बने जो सदन के अंदर कोई जिला की बात रख सके। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये सदन की कार्रवाई निकाला जा सकता है। ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है, विश्व विख्यात भगवान बुद्ध की पवित्र धरती, विष्णु की धरती, पहाड़ी इलाका, गरीबी, और जनता की इतना बहुमूल्य वोट लेकर के अगर सदन में मिट्टी की मूर्ति बन के अगर कोई रहेगा तो इस बार जगाया जिला की जनता फैसला करेगी। जीतन राम मांझी तो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि इस बार 400 पार की बात हो रही है, बिहार में 40 सीटें मिलेंगी और 4 तारीख को काउंटिंग होना है, और उनका जो कढ़ाई छाप है वो 4 नंबर पर है, इसीलिए वो आश्वस्त अपने आप को बता रहे हैं। देखिए, हम 400 पार कौन कहता है, 200 पार कौन कहता है, उसे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें जनता पे भरोसा है।